वेल गाइस, ब्रोक लेसनर ने आज कोडी रोड्स को F5 लगाई, पर क्यों लगाई इसका रीजन आज हम जानते हैं। एंड F5 तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, आपने देखी होगी वीडियोस में, आप देख सकते हो कोडी रोड्स का हाल ऐसा था कि इतने ज्यादा लोग उनको उठाने आए, मतलब वीडियो में देख सकते हो ये क्या हो रहा है। एंड गाइस, चेयर से मारा, टेबल में मारा, यार सब कुछ किया ब्रोक लेसनर ने। ऐसा क्यों? हील करेक्टर ब्रोक लेसनर का वापस आ गया है, ये रीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। कोडी रोड्स आपको पता है कितना ज्यादा पॉपुलर थे, मतलब फेस बने हुए थे रेसलमेनिया पर, जब हारे थे क्राउड भी थोड़ी सी बू कर रहा था उनके लिए कि कोडी रोड्स को जीतना चाहिए। यहां पर ब्रोक लेसनर ने अटैक करके कोडी रोड्स को बता दिया, अब वो फेस से हील बनने जा रहे हैं। ओमोस वर्सेस ब्रोक लेसनर हुआ था, उसमें ब्रोक लेसनर जीत चुके हैं एंड उनको थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस है कि क्या होने वाला है आगे। एंड यस गाइस, जो पोज किया एंड में आप देख सकते हो ये वाला पोज, ये सीधा सीधा बताता है कि अब उनको परवाह नहीं है, ना क्राउड की परवाह है ना कोडी रोड्स की परवाह है, कोडी रोड्स को मतलब क्यों। एंड गाइस, नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है ब्रोक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स WWE बुक करिए बैकलैश के लिए। सबसे पहले बैकलैश के लिए बुक होगा या फिर नेक्स्ट पेपर व्यू के लिए बुक होगा, उसमें कोडी रोड्स को जिताया जाएगा, वापस जो हारे हैं रोमन रेंज से वो वापस रेपुटेशन आ जाएगी कोडी रोड्स की। एंड फिर समर स्लैम पर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स दोबारा होगा। ये वाला रीजन मेरे को एक पोटेंशियल रीजन लग रहा है कि वापस कोडी रोड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाओ, ब्रोक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स इतना अच्छा इतना बिल्ड हो एंड उसमें कोडी रोड्स अगर जीत जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ी रेपुटेशन बन जाएगी, क्योंकि रोमन रेंज ब्रोक लेसनर को हरा के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे थे। एंड यहीं अगर कोडी रोड्स भी ब्रोक लेसनर को हरा दे वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, एंड इसलिए WWE शायद ये वाला बुक कर रही है। एंड गाइस, बीस्ट इनकार्नेट हमें जब शुरू में दिखते थे वो हील करेक्टर में बहुत ज्यादा होते थे, तो हील करेक्टर ही मेन रीजन है कि ब्रोक लेसनर को कुछ नई लुक दी जा रही है। गाइस, मेरे पास एक कमेंट आया था, कोडी रोड्स को बचाने के लिए सैमी ज़ेन क्यों नहीं आए? सो गाइस, ब्रोक लेसनर सामने हो, सैमी ज़ेन क्या ही कर लेंगे मुझे ये बता दो, केविन ओवेंस क्या ही कर लेंगे, मतलब ब्रोक लेसनर पर 3-on-1 भी करो ना तो वो भी ब्रोक लेसनर मतलब पीछे छोड़ जाएंगे। यस, आप ऐसे कमेंट्स पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में वही करो यार कमेंट जाके। एंड यस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आपने एक काम करना है, सब्सक्राइब आना है रेसलिंग डिस्कशन चैनल पर एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देनी है। माय नेम इज सुहेल, बाय बाय।